और अभी आए हुए आएंगे इस वक्त बराह रास्त लिए चलेंगे नाजरीन को मोने सिलाही गुफ्तगु कर रहे हैं। ये भी बता दें कि आज ये कहा गया है कि ये जो केसेस हैं ये 2020 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आपके खिलाफ बनाए गए थे। नून लीग कहती है कि हमने ये केसेस आपके खिलाफ नहीं बनाए। नून लीग का झूठ यहीं से पकड़ा जाता है क्योंकि ये जो FIR है जिसमें मुझे अक्यूज किया है ये दो दिन पहले तो रजिस्टर की है, तो उसमें PTI कहाँ से आ गई? तो नून लीग ने रजिस्टर की है। राणा साहब जो राणा साहब मेरा ख्याल थक गए हैं। राणा साहब के साथ वैसी बड़ी ज्यादती हुई है, वो लॉन्ग मार्च में सारी रात उठे रहे हैं। अगले दिन PM बोल रहा था वो वहाँ पे खराटे ले रहे थे असेंबली में। महंगाई बहुत हो गई, पेट्रोल भी बढ़ गया रहा। ये बेसिकली आगे जाके होना यही है। इन्होंने इसी तरह की डाइवर्जन टैक्टिक्स इस्तेमाल करनी है लोगों को रेस्ट करने के लिए, तमाशा लगाने के लिए, ताकि जो असल मसाइल हैं लोगों के उनसे लोगों की अटेंशन हटे। अच्छा आखिरी सवाल, आज आपकी पेशी और 24 रुपए। मोने सिलाही गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया है कि नून लीग का झूठ पकड़ा गया है, FIA ने 4 घंटे लगा दिए हैं लेकिन हासिल हुसूल कुछ नहीं हुआ। उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि राणा सनाउल्लाह भाग गए हैं। महंगाई पर सवाल किया गया तो उनकी जानिब से कहा गया कि अभी और बुरा वक्त आना है, आगे मजीद महंगाई होगी। अपने नाजरीन को बता रहे हैं कि मोने सिलाही गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी जानिब से कहा गया है कि नून लीग का झूठ पकड़ा गया है, FIA ने 4 घंटे लगा दिए हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो सका, और उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि राणा सनाउल्लाह भाग गए हैं।